ये है यारा बीच। यहाँ टूरिस्ट कम ही आते हैं क्योंकि वाइजैग से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर है। हमने दो दिन से यहाँ वहाँ कहीं शूट नहीं किया क्योंकि पुरानी जगह, बार बार वही शूट, कुछ नया देखते आज। अरे यार देख, कुछ लोग नहा भी रहे हैं, हम भी जा सकते, वो दे। हाँ वहाँ भी मछली पकड़ रहे, यहाँ मछली पकड़ रहे, आगे मछली पकड़ रहे। ये रहा इनका फिशिंग, सुकून वाला जगह यार, यराड़ा बीच। क्या टेंट लगाने वाले? ताड़ी का है, ताड़ी ताड़ी बैग में ताड़ी है, टेंट भी लगा, ये जगह लगा था वो नहीं कि जल भीतरे। हाँ माटी कोपन जाएगी। मछली पकड़ रहे हैं, ये रहा बीच, ये रहा टेंट, सी फेसिंग टेंट, एक्सक्लूसिव रिसॉर्ट दिया बेशी। कार को आर को तो सामने घर लगवे तो को टेंट लगा चुके अब लोकेशन पसंद नहीं आया, बोलते पानी गंदा है, वही और लोकेशन ढूंढ रहे, तो तरीका देखो। सीन देख रहे हैं सबको। अबे तो की अवस्था, सामने फॉरेनर लोग भी है, पता नहीं कहां से आए हैं, पांच दोस्त। ये जीरो लगा भी, ये जीरो कातरा रही से, पूरा लहर ऊपर तक आता था यार। ए बरब, क्या जगह है, देखना पानी आके बहाना ले जाए। अरे मोटी वाला बंद, और कंफर्टेबल हो जा, चिंता करिस ना, ये जगह जागा प्लेन नहीं ना, लह कॉलम पूरा ऊपर ऑफ दी आस पे। ओ माय गॉड, ऊपर ऊपर है होट। अरे बीच रे, वापस ऊपर चढ़ गए, इस गहराई में नहाने का सोच रहे हम लोग। वे पानी अच्छा है लेकिन गड्ढा बहुत है, हम थोड़ा आगे तरफ जा रहे, पता नहीं कहाँ, लेकिन बस जा रहे। अरे की बे बादशाह मास, किंतु मुरे जैसे, किंतु ताजा से बे, फुल ताजा, बस आंख खत्म हो गया क्योंकि उसका कौवा वगैरह खा गया होगा, लेकिन ये सही मछली है। हम थोड़ा आगे जाने का सोच रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग शायद फोटो शूट कर रहे हैं, यहाँ ऊपर तरफ देख सकते हो कुछ बोट वगैरह है, और सामने तो पहाड़ों का अद्भुत नजारा है, और ये लहरों का शोर। गौर से देखो इस स्पीड को, पूरा लाल है, मैं नारियल फेंक के मारा था। कभी भी बीच में नहाने जाते ना, थोड़ा सोच समझ के जाना, जैसे यहाँ दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ आगे ना बहुत गड्ढा है, हम डूब जाएंगे, दो कदम आगे जाएंगे डूब जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा आगे और नहा रहे थे, वहाँ कम गड्ढा था, फिर पता नहीं आगे क्या सिचुएशन होगा। तो जब भी बीच में नहाते हो थोड़ा सोच समझ के नहाया करो, सेफ रहोगे। अरे
ये देखो हमने केकड़ा पकड़ा है, इसे व्हाइट टेल क्रैब कहते हैं। मैं वो काटने की कोशिश कर रहा है लेकिन काफी छोटा है। मुझे सामने आ रहा है, चलते तो देखा जाए। और इसकी आंखें ना बाहर निकली हुई है, और से देख सकते हो। देखो आपको धो के दिखाता हूँ, ये देखो इसकी आंखें बाहर निकली हुई है। देखो काटने की कोशिश तो कर रहा है। बेचारे को छोड़ दिए थे, हम फिर से पकड़े। प्यारा यार पिछले दो घंटे से देख रहे हैं, लोग खींच रहे जाल दो तरफ से। जब जाल बाहर निकाला जा चुका है, बहुत सारी मछली आई होंगी, बस वही देखने हम जा रहे हैं। ये एक समुद्री सांप भी है, जाल के साथ आया है। हालत खराब है इसकी। और ये है मछलियाँ, ये कुछ गंदा सा दिख रहा है, ये जेली फिश पूरा, और पता नहीं मछली का नाम क्या है। ये रही बड़ी मछली, ये देखिए। वहां भी एक और बड़ी मछली है उनके पास। और ये सब सार्डिन फिश है यार, मुझे पता है इन सब के बारे में। ये सार्डिन फिश है पूरा। और ये छोटी मछली है, पता नहीं किस चीज का है। ये तो मैंने पकड़ा है, ये तो फ्रेश वाटर फिश जैसा भेटकी मांस दिख रहा है। बंगाली में भेटकी मांस बोलते हैं। कुछ रे फिश भी है यहाँ पे। और ये रहा कुहू मछली, बहुत ही जहरीला होता है। फुहू फुहू फूल ले जाए ना, गुब्बारा मतलब गुब्बारे की तरह फूटता है। ये दो घंटे की मेहनत का नतीजा। ये सार्डिन फिश है सारा। मॉर्निंग से तो 10 o'clock से 4 घंटे में बस इतना ही निकला। बाप रे, तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं, इतना ही फिश आया है। सबसे बड़ी फिश ये दिख रही है, कोना कोना नाम क्या, कोना टेस्ट अच्छा है ना। ये पॉम्परेट, ये रहा वाइट पॉम्परेट, ये रही ना उड़ाओ किस मास की थोड़ा अलग है। पिछली बार नहीं जैसे लोमरा, ये जो सब दिए बेस्ट माछ है ये इंग्लिश सार्डिन, सार्डिन कह रहे इंग्लिश है, तो की को ऐसे हिंदी तो जाएंगे। सबसे बेस्ट मछली भाई है खाने के लिए। पापदा वापदा पाव जाना, पापदा फ्रेश वाटर फिश था। हाँ ये रे फिश है, रे इसको पानी में फेंक रहे, शायद प्रोटेक्टेड स्पीशीज होगा इसीलिए फेंक रहे होंगे। ये रे फिश है, स्टिंग रे बोलते हैं इसको। ये देखो स्टिंग रे, छोड़ो पानी में छोड़ दो। अरे नहीं यार, ये शार्क टाइप का कुछ है, शार्क का स्पीसीज है, छोड़ दो। ये ना ये जी नहीं, खत्म हो गया। ये रहा, आगे जा नहीं रहा है। ये शार्क है एक्चुअली, इसका फेस जो है ह्यूमन फेस जैसा पूरा सेम आइडेंटिकल है। इसको यही रहने देते हैं, वैसे ये मर चुका है। ये पूरा जेली फिश बाहर निकाल रहा है जो कि काम कर रही है। और ये पता नहीं कौन सा फिश है, ये पूरा जेली फिश।
हाँ ये रहा फूहू मछली, टॉक्सिक है, ये पूरा जहरीला है, बता रहा हूँ जहरीला है ना भैया, एक कांटा बहुत जहरीला है, सोच समझ के पकड़ना, छोड़ दो पानी में छोड़ दो, जी जाएगा बेचारा। एक बोट और आ चुका है, हाँ ये खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा फुला लेता है, हाँ ये फुला लेता है खुद को बचाने के लिए। हाँ भवन जहरीला कलम पाए लाख बीच ना फूहू का है, फूहू खतरनाक जहरीला कलम। ये छोटी मछली है, कौन सी है पता नहीं, ये रही एक बड़ी मछली, ये और एक रे फिश, रे नहीं शार्क की एक जाति है, बेबी शार्क बोल सकते हैं इसको, जा भाई जा, ये उल्टा हो गया है, ये क्या है, रुक रुक भाई भाई, हाँ ये ब्लू क्रैब है, सॉफ्ट शेल क्रैब बोलते हैं इसको, मैं जहां तक जानता हूँ, लेकिन इससे पैर टूट चुका है, जिएगा नहीं, ये देखो और भी, अबे इतनी बाइक चलते फैला देना, इसकी आंखें निकल चुकी है, खत्म हो चुका है ये, वो एक फिश दिख रहा है, कौन सा फिश है पता नहीं, यहाँ पे सब साड़ी में अलग किया जा रहा है, छोटी वाली फिश का नाम मालूम नहीं, हाँ एक बोट आ चुका है वैसे, सारी जेली फिश और सबके पेट में ना मछलियां हैं, सब मछली खा के बैठी है।